आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर? हम पूछना चाहते हैं, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं। और आज आप ऐसा फैसला देते हैं तो ये मेरे लिए बहसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। भाई आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, ये अफसोसनाक बात। हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा। आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करो, आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत को, आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेस फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि आडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खून रेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का, जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे
प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो। आप बताइए ना कितने दिन कितने महीने लगेंगे जब स्पॉन्टेनियस ना हो। क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो। क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे आडवाणी मुरली मनोहर जोशी उमा भारती ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आजा आ जाती आप। आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप पैगाम क्या देना चाह रहे। पैगाम यही मिल रहा है कि वॉयलेंस पेज मास वॉयलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था। सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मसाम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे लोगों को उकसा रहे थे उनकी मौजूदगी में क्या ये बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। वो भी आप नहीं मानेंगे उसको। क्या सीबीआई की चार्जशीट में ये नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात आडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई। क्या यह बात सच नहीं है कि आडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डिमोलिश नहीं हो जाती ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो। क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे। यह फैसला मुझे कहना पड़ेगा कि ये जजमेंट सेटिस्फाइज द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ हिंदुत्व एंड इट्स फॉलोअर्स एंड इट्स आइडियोलॉजी। ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद पर हम पूछना चाहते हैं। जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं अपनी एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ कैसा क्या हुआ। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि आडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट तरफ से एक्यूज है। तभी हमने कहा था कि देखो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि आडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उमा भारती अच्छा आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट के बाहर कह रहा है कोर्ट के बाहर फैसला देने से पहले कोर्ट के बाहर कह रहा है कि हां मैं एडमिट करता हूं कि मैंने डेमोलिशन में हिस्सा लिया। वो बीजेपी में उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था। कोर्ट के बाहर कह रहा है और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए बहसियत एक भारत के मुसलमान के लिए जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर जिन लोगों की मौजूदगी में जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वॉयलेंस तशद्दुद हुआ क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा। और मुझे ये भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए यह नाइंसाफी पर मबनी है बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है।
क्या इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया, इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। नहीं, कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, ये तो फैसला आखिरी नहीं ना, और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उसके उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मैं तो आपको तमाम दलायल दे रहा हूं, ये तमाम दलायल दे रहा हूं। क्या वही तो हम कह रहे हैं ना, ये देख के कैसा फैसला दिया आप, वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को। शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप एचआरडी के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। यह अफसोसनाक बात है। आगे क्या करने का विचार है? आगे अब यह देखना है कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या नहीं करेगी, और अगर सीबीआई नहीं करती तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इसके खिलाफ अपील करें। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर अडवाणी के घर को पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया, उन पुलिस के अहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने कहा कि हां ये तमाम प्री प्लान्ड था? क्या कोई जादू हुआ था क्या उस दिन? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।